हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो। शुपियन जिंदाबाद, डीसी शुपियन जिंदाबाद, तहसीलदार केलर जिंदाबाद, हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। सर, हमारा यहाँ जमा होने का मकसद यही है, 2017 से ये जो रोड है पीएमजी वाइस ने ली थी, तो इसमें मैग्नम भी बिछा दिया, सब कुछ कर दिया। हमारे साथ उस वक्त वादा किया था कि एक महीने के बाद आपकी जो पेमेंट है वो हो जाएगी। हमारे जो दरख्त थे, सेब के दरख्त थे, इसमें अखरोट के दरख्त थे, वो भी काटे गए उसी वक्त। हमने तो उसी बात पर भरोसा किया। उसके बाद हमारे यहाँ कोई आया नहीं। बाद में जब एक्जन साहब के पास हम गया, उसने बोले फंडस है, फंडस ही नहीं, आप श्रीनगर जाओ। फिर हम श्रीनगर भी गए, राजबाग चीफ साहब के पास, उसने भी वहाँ मांगे, उसने भी उनको चिट्ठियाँ भेजी। फिर पता नहीं उन्हें वापस में क्या किया, उसके साथ क्या नहीं किया। जो मैंने, जो ये बेचारी बेवा बोल रही थी, ये एक ही बेवा नहीं, ऐसी तीन बेवा हैं। तो हम किसी के पास गुजारा है, कोई मजदूरी करता है, किसी को घर का गुजारा है, जो श्रीनगर में वहाँ चक्कर काटेगा। ये जो ऐसी बेचारियाँ हैं, इनके पास कोई मुआवजा नहीं। चलते हैं, इसमें 5-6 साल हो गए, 2017 से पीछे हिसाब करो कितना टाइम हो गया इसको। अब क्या चाहते हैं आप? हाँ, अब क्या चाहते हैं आप? अब हम चाहते हैं हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। ज़मीन हमारी खुद अपनी है, मलकती ज़मीन है, तो उस वक्त वादा किया था कि इसमें हम मुआवजा देंगे, हमें अपनी ज़मीन का मुआवजा मिलना चाहिए। हमारे साथ पहले ये धोखा 24 फुट का बोला, फिर बाद में 12 फुट पर भी हमने तय किए, 12 फुट के कागज़ बने हैं ये, तो अगर 24 के हिसाब माने तो फिर एक एक कनाल भी होता है, तो 12 के हिसाब, किसी को 5 मरले, किसी को 10 मरले, किसी को एक कनाल। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2017 में ये रोड जो बनी गई थी, इसकी कटिंग हुई 2017 में, 2017 से लेकर इस दम तक हमें कोई मुआवजा नहीं मिला। हम डीसी शुपियन से भी, हमने 50 बार डीसी शुपियन से भी फरियाद की, तहसीलदार केलर से भी, और हम हर महकमे में पहुंचे, हमारी फरियाद किसी ने नहीं सुनी। ये हमारी माँ है, इस बेचारी की एक किनाल जमीन गई है, इसको 7 बेटियाँ अभी तक इसको हमारी, हम तो किसी से मजदूरी कर कर 500 रुपया लेकर हम किसी जगह पहुँचते हैं, ये बेचारी किसी से कर्जा काट कर लेती है, इसकी भी किसी ने अब तक हमारी कोई फरियाद किसी ने नहीं सुनी। हम गवर्नमेंट से यही मुतालबा करते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। हम इसमें किसी का कि एक किनाल ज़मीन गई है, किसी के 10 मरले गए हैं, किसी के 15 मरले।